नमस्कार दोस्तों, मैं शशि भूषण प्रसाद आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हमने जो एक वीडियो स्टार्ट किया है वो प्रीवियस वीडियो का ही कंटिन्यूएशन रूप है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था भौगोलिक खोजे, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक था। उसमें मैं ये बताया था कि कैसे कैसे यूरोपियंस इंडिया का खोज या पृथ्वी के अलग अलग भूभागों का खोज किया, कैसे नौ बनाए, क्या कारण रहे उसको खोज होने का, कैसे कैसे धर्म युद्ध में हारने के बाद उसका मिथ्या अभियान यूरोपियन का टूटा, कुस्तुनतुनिया पे तुर्की का कैसे साम्राज्य हुआ, यूरोपियंस और इस्लाम के वर्चस्व की लड़ाई में यूरोपियन हारने के बाद उसका मिथ्या अभियान टूटने के बाद उसने पृथ्वी के हर पहलू को जानने की कोशिश की और इसी के कारण वो नए नए खोजों और नए नए आविष्कारों पर जोर दिया, जो कि उसके व्यापार के लिए लाभान्वित साबित हुआ। तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि भौगोलिक खोज के हमारे क्या क्या परिणाम रहे, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 1488 में बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाली नाविक केप ऑफ गुड होप तक की यात्रा की थी। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर ली थी, जिसको शुरू में उसने नई दुनिया कहा, बाद में अमेरिको वास्पुची ने उसको अमेरिका का नाम दिया। उसके बाद 1498 में वास्को डी गामा भारत आ पहुंचे और वहां से व्यापार शुरू हो गया। तो व्यापार शुरू हुआ उसके बाद और यूरोपियन कंपनी की क्या क्या लालसाएं बढ़ी इस पे आइए हम देखते हैं, और लालसा बढ़ी उसकी भौगोलिक खोज के और क्या क्या परिणाम सामने आए उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला परिणाम है व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव, क्योंकि नए नए आविष्कार के कारण यूरोप में एक औद्योगिक क्रांति सी हो गई। औद्योगिक क्रांति के कारण वहां पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और उसको बेचने के लिए उनको बाजार की आवश्यकता होने लगी। तो बाजार की आवश्यकता हुई तो जिससे उसके वाणिज्य और व्यापार में काफी ज्यादा वृद्धि हुई। उस समय वो जो मैंने पिछले वीडियो में वर्ल्ड का मैप बनाया था उसमें अमेरिका से सोने की और चांदी की आयात करने लग गए, और ये कहें कि उस समय सोने चांदी से ही वो अपने वस्तुओं को आयात और निर्यात करने लगे, जिसके कारण बुलियंस मतलब बहुमूल्य धातु जिसको बुलियन भी कहते हैं उनकी महत्ता काफी बढ़ गई। और उस समय कहा जाता है कि 80 वर्षों तक यूरोप की अर्थव्यवस्था जो है वो चांदी पे ही टिकी रही, और जब इतने ज्यादा चांदी किसी देश में या किसी महादेश में हो जाए तो वहां पे मुद्रास्फीति की संकट उत्पन्न होगी ही होगी। तो इसमें आप ये नोट कर लेंगे कि वाणिज्य व्यापार के प्रभाव में पहला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा बुलियन की महत्ता बढ़ी, बुलियन की महत्ता बढ़ी, मुद्रास्फीति बढ़ गए, शुरू में जो स्पेन और पुर्तगाल आगे था धीरे धीरे वो पिछड़ने लगे और इंग्लैंड हॉलैंड फ्रांस जर्मनी वो आगे हो गए, जिसके कारण से पेरिस लंदन एम्स्टर्डम प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गए। और भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर में पहले जो व्यापार हुआ करता था उस व्यापार का स्थान अब अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर लेने लग गए। और इससे क्या हुआ कि जो पहले मध्य युग में सामंती समाज था यूरोपियंस का, वो समाज अब उस समाज में अब व्यापारी वर्गों की प्रभुत्ता बढ़ने प्रभाव बढ़ने लगे। तो सामंती समाज पर के ऊपर व्यापारी वर्ग का प्रभाव बढ़ा। ये व्यापार वाणिज्य के विकास होने के कारण ये सारे परिणाम हुए। चलिए देखते हैं दूसरे परिणाम क्या रहे हैं। दूसरे परिणाम में औपनिवेशिक
साम्राज्यवाद का विकास, औपनिवेशिक साम्राज्यवाद का विकास। मतलब ये हुआ कि जब वहां पे बहुत सारे प्रोडक्शन होने लग गए, बहुत सारी कंपनियां खोली जाने लगी, तो उसके लिए अब व्यापार के लिए बाजार की आवश्यकता होने लगी, तो वो अफ्रीका या अमेरिका या एशिया के छोटे छोटे, ऑस्ट्रेलिया के छोटे छोटे देशों में यूरोपियंस जो कंट्री थी अपने उपनिवेश मतलब कॉलोनी बसाना शुरू कर दिए, और धीरे धीरे ये कॉलोनी को अपना एक अधिकार समझने लगे, और जिससे साम्राज्यवाद उस पर अपना सत्ता हथियाने लगे और साम्राज्यवाद का विकास हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो जो व्यक्तिगत स्तर पे जो छोटे छोटे व्यापारी थी, अब कंपनी लेवल पे उसका व्यापार शुरू हो गया। तो ये उपनिवेश बनाने में यूरोपियन देशों में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ने लग गई। अब इसमें हॉलैंड शामिल हो गए, इंग्लैंड शामिल हो गए, जर्मनी शामिल हो गए, और सब अपने अपने उपनिवेश अलग अलग कंट्री में बनाने लगे। और उसी में आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हो गया। तो इसमें क्या होगा, ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी, ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होने लग गया। साम्राज्यवाद के विकास के कारण ये कंपनियों का विकास हो गया, और उपनिवेश बनाने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। वाणिज्यवाद का विकास, तीसरा पॉइंट है वाणिज्यवाद का विकास। वाणिज्यवाद का विकास का ये मतलब हुआ कि छोटे छोटे देशों में वो अपनी कंपनी स्थापित किए, और वहां से सोने और चांदी को ग्रहण करने की प्रवृत्ति उनमें आ गई। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि जितने औपनिवेशिक देश थे, जितने भी उनके पुर्तगाली चाहे हो, चाहे इंग्लैंड के कंपनी हो, चाहे फ्रांस की कंपनी हो, अपने अपने छोटे छोटे जितने भी कमजोर उपनिवेश है वहां से मूल्यवान धातु को भंडारण करना चालू कर दिया, और जिससे पूंजीवाद का निर्माण हुआ, पूंजीवाद की स्थापना वहीं से शुरू हुई। तो लिखते हैं इसमें पूंजीवाद की उत्पत्ति, पूंजीवाद की उत्पत्ति हो गई। छोटे छोटे देशों में सोने और चांदी की लूट हो गई, और इस भंडारण में स्पेन जो है सबसे आगे रहा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसके क्या है। चौथा पॉइंट है ईसाई धर्म और पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। अब ये देखिए, जब धर्म युद्ध हुए थे और धर्म युद्ध में जब यूरोपियंस की हार हो गई थी अरबों से, उसके बाद उनका जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करीब करीब थम सा गया था, और भौगोलिक खोज ने उसके ईसाई प्रचार प्रसार में एक प्राण सा डाल दिया। अब ईसाई धर्म के प्रचार के लिए यूरोपियन अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया के दुर्गम इलाकों में भी पहुंच के वहां पे धर्म का प्रचार प्रसार करने लग गए। और इसका नकारात्मक प्रभाव ये रहा कि जो छोटे छोटे उपनिवेशों में जो कमजोर लोग थे उनको धन की लालच देकर के जमरन धर्म परिवर्तन कराया गया, यूरोप उनके संस्कृति पे अतिक्रमण किया गया, और यूरोप के सभ्यता संस्कृति का प्रचार उसके उस उपनिवेशों में वो लोग करने लग गए। तो इसमें अगर हम लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि दुर्गम इलाकों में ईसाई धर्म का प्रचार
प्रसाद। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि धन का लालच दे करके, धन का लालच देकर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाने लगा, जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाने लगा। पहले जो था कि जब धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार होने लगा ईसाई धर्म का, तो चर्च की जो प्रभुसत्ता थी उसमें कमी आने लगी। पहले जो चर्च के जो कानून थे वही सुप्रीम हुआ करते थे, अब लोग उस पे उंगलियां उठाने लग गए और धर्म, तत्कालीन धर्म को भी तर्क की कसौटी पे रखने लग गए। तो चर्च की प्रभु सत्ता में गिरावट, और जब चर्च की प्रभुसत्ता में गिरावट हो गई तो वहीं से धार्मिक सुधार आंदोलन की एक पृष्ठभूमि तैयार होने लगी। तो ये कह सकते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। ठीक है, ये सारे पॉइंट धर्म के प्रचार प्रसार के कारण हुए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दास व्यापार में विकास। पांचवा पॉइंट था दास व्यापार में विकास, क्योंकि औद्योगिक क्रांति यूरोप में हो चुकी थी, तो औद्योगिक क्रांति के लिए मानव श्रम की महत्वता बढ़ती चली गई, और मानव श्रम जैसे बढ़ती चली गई तो गरीब कंट्री से, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया से लोगों को जबरन पकड़ के यूरोप के बाजार में बेचा जाने लगा। और शुरू में ये व्यापार जो था वो व्यक्तिगत स्तर पे था 16वीं शताब्दी तक, उसके बाद दास व्यापार जो है वो बृहत रूप, एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया था। और उसमें होता क्या था कि व्यापारों के साथ ज्यादा कठिन कार्य करवाए जाते थे, जैसे कि जंगलों की कटाई करवाई जाती थी, कि उनसे खेती करवाया जाता था, जहाज के में ईंधनों को झोंकने के लिए उसको रखा जाता था, सड़कों के निर्माण उनसे करवाया जाता था, और इसके साथ उनपे अमानवीय व्यवहार किया जाने लगा। तो इसका एक नकारात्मक ये परिणाम निकला कि तथाकथित, उस समय के तथाकथित सभ्य और विकसित समाज के द्वारा शोषित कमजोर तबके के लोगों का शोषण किया जाने लगा। ये दास व्यापार का उस समय विकास के कारण ये परिणाम हुए थे भौगोलिक खोज का। नेक्स्ट परिणाम में क्या आएगा, भ्रांतियों का अंत और भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। इसको लिख लेते हैं हम, भ्रांतियों का अंत और भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। अब चर्च के द्वारा जो भ्रांतियां फैलाए जाए गए थे धर्म के रिगार्डिंग्स, और चर्च जो कहते थे कि हम सबसे श्रेष्ठ है, तो उस पे लोग अब उंगली उठाने लग गए, जिससे धर्म सुधार आंदोलन का नींव रखा गया। उसके बाद से भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई, तो नए नए आविष्कार हुए, नए नए आविष्कार होने के कारण से एक पेशेवर वैज्ञानिक वर्ग का जन्म हुआ है यूरोप में, जिससे और भी बहुत सारे, पहले जो अब ये था कि दुनिया चपटी है, पृथ्वी चपटी है और उससे हम गिर जाएंगे, अब ये सब बात नहीं रही, अब लोग समझने लगे कि सारे समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए। तो भौगोलिक अच्छा मानचित्र, विश्व का मानचित्र भी बहुत सुधर चुका था, तो लोगों को भौगोलिक ज्ञान काफी बढ़ चुका था। ठीक है, नेक्स्ट क्या परिणाम होगा इसका, अन्य परिणाम में क्या आएगा देखते हैं। अन्य परिणाम में नवीन फसलों का आदान प्रदान वैश्विक स्तर पे, जो यूरोप व्यापार करने लगे, हर देशों में जाने लगे, तो वहां से कुछ फसल वो अब यूरोप लाते थे, फिर यूरोप से कहीं और चला जाता था, तो विश्व के स्तर पे फसलों का आदान प्रदान होने लगा। तो नवीन फसलों का आदान प्रदान, यूरोप में कहवा, गेहूं, मक्का, आलू,
और जगह से आए, फिर यूरोप के माध्यम से चाय कॉफी ये सब भारत आए, भारत का भी आम या आलू ये चाय मसाला यूरोप गए, तो फसलों का जो आदान प्रदान हुआ, किस्मों का फसलों की किस्म का आदान प्रदान, वो अन्य परिणाम में भौगोलिक खोज के आगे। इसके अलावा नौसैनिक कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा विकास हुआ है, नौसैनिक जल सेना ज्यादा से ज्यादा काम करने लगी। इसके अलावा इटली में, इटली जो अस्थल मार्ग से जब व्यापार हुआ करता था यूरोप के में और एशिया में, तो इटली का बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो इटली में थोड़ा सा और जब ये बढ़ा तो इटली का साम्राज्यवाद में नए नए नगरों का उद्भव हो गया। इसके बाद आप इसमें और ये कह सकते हैं कि भूमध्य सागर जो में जो पहले थोड़ा बहुत भूमध्य सागर के माध्यम से जो पहले थोड़ा बहुत व्यापार हुआ करता था, उसमें अब और ज्यादा वृद्धि हो गई, पूंजीवाद का विकास हो गया, वाणिज्यवाद का विकास हो गया और सबसे ज्यादा साम्राज्यवाद का विकास हो गया, और इस तरह से यूरोपियंस पूरे दुनिया पे हावी हो गए। तो आज तक आज के वीडियो में हमने यही देखा कि जो भौगोलिक खोजें हुई उसका क्या क्या परिणाम रहे। अब ये अब हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया जब स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि वास्को डी गामा भारत आए, उसके साथ साथ पुर्तगाली कंपनी कैसे भारत आई, उसने अपने व्यापारिक कोठी पहला कब बनाया भारत में, और उसको देखते देखते प्रतिस्पर्धा में भारत में कैसे अंग्रेज की ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई, हॉलैंड की कंपनी आई, फ्रांस की कंपनी आई, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो जो यूरोपियन का भारत में आगमन होगा उसमें हम देखेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को एक से दो बार देखेंगे और प्रीवियस वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा है भौगोलिक चैप्टर भौगोलिक खोज पार्ट वन, तो आप उसको भी देखिए। दोनों वीडियो को आप देखने के बाद आपको भारत का मॉडर्न हिस्ट्री समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। आप इस दोनों वीडियो को देखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, ठीक है। तब तक मिलते हैं नए वीडियो में, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।